हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक और वीडियो लेकर के आया हूँ आपके लिए। निफ्टी नेक्स्ट वीक अप और डाउन, देखते हैं नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते कैसा परफॉर्म कर सकता है, पिछले हफ्ते कैसा परफॉर्म किया उस पर एक नज़र डालते हैं रिकैप में, और अगले हफ्ते कैसा मूवमेंट आ सकती है, क्या इम्प्लीकेशंस हैं इस टाइम पे मार्केट्स के, ग्लोबली FIIs की क्या इम्पैक्ट्स हैं, लुकिंग एट कोरोना ऑल्सो एज अ सिचुएशन, और जो चाइना का इस टाइम पे थोड़ा सा ट्रेड टेंशन बढ़ गया है, बॉर्डर टेंशन्स बढ़ गई हैं, उसको भी देखते हुए क्या निफ्टी के सपोर्ट लेवल्स हैं, क्या रेजिस्टेंस कहाँ पे आ सकता है, वो लेवल्स में आपसे शेयर करूँगा, सो दैट आप भी अपने लिए यू विल कीप अ वॉच ऑन दोज पर्टिकुलर लेवल्स। ओके, देखते हैं कल का ट्रेड सेटअप कैसा रहता है, विच इज़ June 29th, और विच इज़ फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में कैसे निफ्टी ट्रेड कर सकता है। इस टाइम पे आप देखेंगे निफ्टी क्लोज्ड ऑन फ्राइडे एट 10,380, क्लोज टू दैट लेवल। अभी जो लग रहा है, मैं आपको फ़िलहाल ये जो शेयर कर रहा हूँ, मैं आपको वो चार्ट्स पे भी समझा दूंगा, प्लीज़ देखते रहिए टिल द एंड, मैं चार्ट्स पे भी आपको एक्सप्लेन करूँगा रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स, और कहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ऑन आर चार्ट्स। सो फिलहाल जो लग रहा है कि मार्केट को निफ्टी को 10,300 पे सपोर्ट मिल सकता है नीचे की तरफ से, और अगर उसके नीचे भी गिरा तो 10,269 पे सपोर्ट मिल सकता है। अगर निफ्टी इस लेवल से ऊपर निकल गया तो 10,424 देखने को रहेगा और 10,466 देखने को मिलेगा, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये उससे भी ऊपर निकल गया फिर तो और रैली हो सकता है 10,500 तक भी। ओके, अगर बात करें पिछले हफ्ते की सेंसेक्स की, 1.2% की मूवमेंट हुई है अपवर्ड्स, और निफ्टी गेंड अराउंड 1.3% ऑफ द मूवमेंट। कंपेयर टू अगर आप देखोगे लास्ट वीक में, इससे पहले और भी ज़्यादा ही भयंकर मूवमेंट आ गई थी, 3.5% का मार्केट बहुत ही बुलिश था, बट अभी थोड़ा कंसोलिडेट हो गया है। पिछले हफ्ते आप देख सकते हो गेंस के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन का स्टेज आ चुका है, जहाँ से लग रहा है कि थोड़ा रेंज बाउंड ही मार्केट चलेगा। और फिर से मैं शेयर करना चाहता हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट लेवल्स ये रहेंगे। अगर नीचे की तरफ 10,300 पे आप वॉच कीजिए, अगर वहाँ से पॉसिबिलिटी है वो वापस आ सकता है ऊपर की तरफ, अगर 10,326 गिर गया तो फिर देर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ 10,269 पे भी आ सकता है। ओके, एंड सिमिलरली अपवर्ड्स पे 10,400 और 10,466 का लेवल देखने को मिलेगा। सिमिलरली फॉर बैंक निफ्टी, मैंने नीचे लिखा हुआ बैंक निफ्टी के लिए क्या क्या लेवल्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मार्केट में मैटर करती है, बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है FIIs का भी और DIIs का भी, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं हमारे मार्केट में, उनका पिछले हफ्ते सेलिंग तो काफ़ी प्रेशर है, उस वजह से आप देखोगे 750 करोड़ की उन्होंने सेलिंग करी है, उस वजह से आप देखोगे कंपेयर टू लास्ट वीक थोड़ा स्लो मूवमेंट रहा। इनफैक्ट वेंसडे को तो मार्केट ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स गिर गया था निफ्टी, सो दैट वाज द रीज़न, और कंसोलिडेशन स्टेज में ही दिख रहा है। आई ऑल्सो नाउ वी गो बैक टू द चार्ट्स, लेट्स सी चार्ट्स पे मैं आपको समझाता हूँ कि कहाँ पे मूवमेंट्स आ सकती है और क्या क्या लेवल्स हैं। ओके, सो दिस इज़ डेली चार्ट निफ्टी का, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करके समझाता हूँ कि रेजिस्टेंस और इसमें सपोर्ट कहाँ कहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, आप ये देख लीजिए, जब मार्केट डाउनफॉल हो रहा था यहाँ पे एग्जैक्टली जो ये मूवमेंट यहाँ पे दिखाया था, एग्जैक्टली जिस टाइम पे मूवमेंट जहाँ पे इस टाइम पे मार्केट है। ओके, सो ये वाली आप रेजिस्टेंस लाइन देख सकते हैं जहाँ पे मार्केट परसों क्लोज भी हुआ है। ओके, ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, लेट मी शो यू, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लेवल इन मार्च। ये देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिला था मार्च में। ओके, उसके बाद आप देख लीजिए कितना मार्केट
डाउन हो गया, गैप डाउन क्यों हो गया, यहाँ से यहाँ तक गैप डाउन हो गया, तो करंटली मार्केट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन में यहाँ पे करेक्ट सेम सेम लेवल पे आ चुका है जहाँ पे लास्ट टाइम मार्च में एकदम यहाँ से लेके यहाँ तक गैप डाउन हुआ था, ये गैप डाउन हो गया था। और करंटली अगर आप देखोगे जून में हम आ चुके हैं और जून में भी एग्जैक्टली हम इसी लेवल पे यहाँ पे आ चुके हैं। ओके सो ये दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल टू वॉच। और आप देख सकते हैं, जस्ट अ सेकंड, सो 10,300 पे इस टाइम पे निफ्टी है और ये वाला लेवल अगर ब्रेक कर गया, थोड़ा सा मेरे को लग रहा है, आई'ल जस्ट एक्सप्लेन थ्रू द ट्रेंड लाइन वंस अगेन, 10,500 का लेवल ऑल्सो लुक्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये देख लीजिए, ये जो लास्ट टाइम पे भी मूवमेंट दिखाया था यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके आई'ल अगेन जस्ट ट्राई टू ड्रॉ दिस। ये मार्च में आप ऑब्जर्व कीजिए, ये वाला जो मूवमेंट था यहाँ पे, ये वाला 10,300 से 10,500 का मूवमेंट दिखाया था, उसके बाद कैसे बाउंस बैक हो गया, बाउंस मतलब एकदम फॉल हो गया नीचे मार्केट। ओके इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये वाला लेवल आप देख लीजिए, फिर से एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम ट्रेंड रिपीट हो रहा है। ओके सो मार्केट यहाँ पे आ चुका है और ये वाला लेवल टेस्ट कर सकता है विच इज 10,500 एंड इट कैन फॉल डाउन अगेन टू सम लेवल। सो ये वाली लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी टेस्ट करने के लिए विच इज 10,500। अगर आप ओपन इंटरेस्ट भी देखोगे ऑप्शंस का, 10,500 का सबसे मैक्सिमम इस टाइम पे ऑप्शन इंटरेस्ट है, सो विच ऑल्सो शोज कि दैट देर इज अ गुड पॉसिबिलिटी दैट मार्केट विल बाउंस बैक इफ इट टच 10,500। ओके अब ट्रेड आप कैसे ले सकते हो, देखिए ऑप्शंस में एक तो ये लेवल्स जो मैंने आपको बताई हैं आप वो वॉच कर सकते हो। सेकंड व्हाट यू कैन आल्सो डू इज़, अगर आपको जो मैंने आपको हमेशा मैं आपको सजेशंस देता रहता हूँ ऑन द ट्रेंड लाइन, हमेशा मैं भी खुद भी ट्रेंड्स को देख के ही ट्रेड करता हूँ, इसको मैं फ़िलहाल हटाऊँगा, लेट मी जस्ट रिमूव दिस, आई विल टेल यू विच लेवल्स टू वॉच। ओके इसको भी मैं फ़िलहाल रिमूव करूँगा इस लाइन को। लुक एट द ट्रेंड विच निफ्टी इज़ फॉलोइंग, यहाँ पे कुछ मैं आपको शो करता हूँ, ये देख लीजिए, लुक एट द ट्रेंड, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ये वाला ट्रेंड दिखाया था। ये ट्रेंड लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं इसको ट्रेड इस पे ट्रेड करने वाला हूँ, लुकिंग एट कि यहाँ पे टच करके रेजिस्टेंस एक एक्ट कर रहा है, ये ट्रेंड कैसे रेस्पेक्ट कर रहा है इस लाइन को, और नीचे लेवल से भी आप देख लीजिए ट्रेंड को कैसे थोड़ा रेस्पेक्ट मिल रहा है ये वाला। ओके ट्रायंगल पैटर्न इसको बोलते हैं। ओके सो यू कैन एग्जैक्टली सी, हाँ ये करेक्ट, जस्ट इसको थोड़ा सा इनलार्ज करके देखेंगे, ये देख लीजिए। सो इस लेवल्स पे आके ये लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट लग रही है मुझे, दिस इज आई विल ऑल्सो ट्राई टू ट्रेड निफ्टी ज्यूरिंग दिस वीक। ओके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, ये देख लीजिए, नाउ दिस इज परफेक्ट करेक्ट। सो इसमें ऑलमोस्ट ये देख लीजिए कैसे निफ्टी मूव कर रहा है इसी ट्रेंड लाइन के अंदर, करेक्ट। सो ट्रेंड लाइन को अगर ऊपर की तरफ, आपको मैं स्ट्रैटेजी भी बता दूं, ट्रेंड लाइन अगर मुझे लगा यहाँ से नीचे की तरफ अगर जैसे ही रेड कैंडल कोई बनने लग गया तो आई विल टर्न बुलिश, मैं पुट ऑप्शन बाई कर लूँगा। अगर कहीं पे लगे मुझे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर गया तो मैं उस टाइम पे कॉल ऑप्शन को बाई कर लूँगा, विच इज़ आई विल बी पॉजिटिव अबाउट मार्केट। अगर ये ट्रेंड लाइन ऊपर निकल गया, अगर नीचे निकल गया तो आई विल बी नेगेटिव अबाउट द मार्केट। ओके सो आई हैव टॉक्ट अबाउट निफ्टी लास्ट वीक, आई हैव टॉक्ट अबाउट निफ्टी दिस वीक कैसा रहेगा, आई हैव ऑल्सो टॉक्ट अबाउट द स्ट्रैटेजी आई विल यूज दिस वीक। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक द प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, मैं सो दैट आई कैन ब्रिंग बैक बहुत अच्छे वीडियोज आपके लिए विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई चैनल, गुड लक एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग।